ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आपने कमलालय के महात्म्य के विषय में बहुत सारी कथाएं सुनी, अम्बष्ट की कथा सुनी, मनुनिधि चोलन की कथा सुनी, और कैसे वहां एशिया का सबसे बड़ा रथ उत्सव मनाया जाता है ये सब आपने जाना। तिरुवारूर के सप्त जो राजा मुचकुंद इंद्र भगवान विष्णु की कथाएं सुनी, सप्त विडंगा के बारे में जाना। लेकिन इस बीच हमारा सुंदर कहाँ है? जिस सुंदर की शादी भगवान शिव ने वृद्ध बनकर रुकवा दी थी दूल्हे वेश में, उसको उठा लिया था वहां से, दास बना लिया, और वो उस बुड्ढे को कोसता हुआ उनके साथ चले। फिर भगवान शिव ने वो वृद्ध का रूप त्यागा और सुंदर को अनुग्रहित किया, उस पर अनुग्रह किया, उस पर अनुकंपा की, और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए, उसे आज्ञा दी, वो नित्य शिव स्तुतियां गाए, शिव के निमित्त स्तोत्र और प्रार्थनाएं करे। अब इस बीच फिर आगे क्या हुआ वो हम जानते हैं। महर्षि अगस्त जी बताते हैं कि अब सुंदर का जो चरित्र है वो पूर्ण जगत में विख्यात है, और ये चरित्र सुनना या पढ़ना या सुनाना सब पापों का नाश करने वाला है। इसलिए महर्षि अगस्त जी आगे ऋषियों को बताते हैं कि सुंदर जब कमलालय में पहुंचा तो वहां नित्य भगवान शिव के निमित्त स्तुतियां करता था और भगवान शिव के लिए प्रार्थना करता था। त्यागराज जो तिरुवारूर या कमलालय में स्थापित प्रतिष्ठित प्रभु शिव हैं, हमारे स्वामी भगवान शिव, वहाँ पर त्यागराज वीथि विडंग मैंने आपको बताया था उस नाम से वहाँ विख्यात है, वहाँ सुंदर नित्य जाता और भगवान शिव के निमित्त स्तुतियाँ गाता था। एक बार क्या हुआ, अब देखिए कितने, अब इससे भगवान, इन कथाओं में भगवान शिव के जो एक ऐसे स्वरूप को हम जानेंगे जो नारायण का या श्री कृष्ण का रूप ऐसा उत्तर भारत में जाना जाता है, वैसा ही स्वरूप भगवान शिव का कावेरी यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में, कावेरी क्षेत्र में भगवान ने लीलाएं करके दिखाया। अब उन स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पता है क्या किया, भगवान शिव ने सुंदर से कहा कि मैं तुम्हारी इन स्तुतियों से प्रसन्न हूं, अब तुम मेरे दोस्त बन जाओ। अब सोचे जिसके दोस्त भगवान शिव हो, भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के अधिपति, सृजन पालन और संहार करने वाले सबके अधिपति, मृत्युंजय भगवान शिव जिसके दोस्त बन जाए, ऐसा लकी हमारा सुंदर हुआ। भगवान ने उससे कहा कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ और आज से मैं तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो। अब भगवान की आज्ञा थी तो सुंदर ने मान लिया, लेकिन पता है ना कई बार दोस्तों में क्या क्या होता है, वैसा ही बहुत कुछ होने वाला है। सुंदर भगवान की बात मान गया। अब भगवान ने क्या कहा, उससे कहा कि एक तो उसकी शादी रुकवा दी थी, अब भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम कल से दूल्हे का वेश जैसा तुमने बनाया था वहां, जैसे मैंने शादी रुकवाई थी उसी वेश में पूरी मालाएं वालाएं पूरा दूल्हे का रूप सजा के फिर मंदिर आया करो नित्य, और फिर मेरी स्तुति गाया करो। अब ये एक तरह से अगर नॉर्मल दोस्त होते जले पे नमक छिड़कना जैसा हो जाता, लेकिन वो परमात्मा है और सुंदर एक वो बुद्धिमान जीव है जिस पर भगवान की अनुकंपा हुई, भगवान का अनुग्रह हुआ। सुंदर ने भगवान की बात स्वीकार कर ली और नित्य वो दूल्हा बनकर, पूरा सज धज कर दूल्हा बनकर मंदिर आता और भगवान की स्तुति गाता था। यहाँ पर सुंदर का नाम पड़ा त्यागराज सखा, यानी त्यागराज के सखा या मित्र, ये नाम सुंदर को यहां पर प्राप्त हुआ। अब वो नित्य आकर भगवान की स्तुतियां करता था। अब याद है कैलाश पर जब सुंदर को श्राप प्राप्त हुआ, वो श्राप किसके कारण प्राप्त हुआ था, वहां पर दो माँ भगवती की सेविकाएं थी, उनमें से एक थी कमलिनी, उसका जन्म यही हुआ था तिरुवारूर में या कमलालय में हुआ था, और वो एक देवदासी थी यानी भगवान के निमित्त वो गाना बजाना करती थी, उसका नाम था परवा। इन्हें तमिल में परवायर या परवाई नाचियार के नाम से जाना जाता है। ये उसी त्यागराज मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आती थी, जिस मंदिर में अपना सुंदर दूल्हे का रूप धारण करके भगवान शिव के निमित्त स्तुतियां गाता था। जो सुगंध भगवान त्यागराज की मूर्ति से आती थी, वही सुगंध सुंदर के शरीर से भी आती थी, क्योंकि सुंदर स्वयं को कार्तिकेय जैसा यानी भगवान शिव का पुत्र समझता था। जब भगवान शिव नन्हे से कार्तिकेय को अपने वक्ष स्थल से लगाते हैं, भगवान नन्हे से कार्तिकेय को अपने गले लगाते हैं, तो उनकी छाती से लगा हुआ जो
कर्पूर चंदन कस्तूरी का लेप है, वही वो लेप कार्तिकेय भगवान से भी लग जाता है और उनसे उनसे भी वही सुगंध आती जो भगवान शिव से आती थी। इसलिए जो त्यागराज की मूर्ति से सुगंध आती थी वही सुगंध सुंदर के शरीर से भी आती थी, इसलिए सभी लोग वहां पर सुंदर को त्यागराज सखा कहते थे, त्यागराज का परम मित्र कहते थे। अब एक बार क्या हुआ कि परवा भगवान शिव की पूजा करने आई और संयोगवश, या संयोग नहीं, भगवान शिव की लीला के वश सुंदर ने उस परवा को देखा और सुंदर वहीं पर ढेर हो गया। परवा ने भी सुंदर को देखा। अब इनका पहले से ही पूर्व जन्म से ही कैलाश से ही ये श्राप के अनुरूप इनका जन्म यहाँ पृथ्वी पर हुआ था और इनका मिलना भगवान शिव के कृपा के अनुरूप था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके, मतलब पहली बार में ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन पसंद भी कर लिया। परवा सोचने लगी कि ये कौन है, कोई विद्याधर है या कोई गंधर्व है, कौन है ये जो इतना सुंदर है, और सुंदर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो स्वयं सुंदर है, भगवान शिव के प्रतिबिंब है और अब तो भगवान शिव के दोस्त भी बन गए। जब सुंदर ने परवा को देखा तो सुंदर भी अपना होश खो बैठा और जहां उसको पंचाक्षर यानी नमः शिवाय पंचाक्षर जपना होता वो सब कुछ भूल के परवा परवा करने लग गया। अब परवा तो चली गई, अब सुंदर ने देखा कि ये कौन थी, उसने आसपास पता किया तो बताया कि ये देवदासी है और भगवान त्यागराज के निमित्त ये नृत्य करती है और उनके लिए गायन करती है। अब सुंदर ने मंदिर आना बंद कर दिया और परवा की याद में ही खोया रहता। पंचाक्षर यानी नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की जगह परवा परवा का तीन अक्षर का मंत्र जप करता रहता। भगवान ने देखा कि ये भगवान उसके समीप आए। भगवान ने कहा कि सुंदर क्या हुआ, इतने मुरझाए हुए क्यों हो, तुम्हें क्या परेशानी है मुझे बताओ। तब सुंदर ने कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हो, अब आप मुझे चाहे वैराग्य का चाहे आत्मा का जीव का परमात्मा का कितना भी ज्ञान दे दीजिए, मुझसे मेरा उद्धार नहीं होना जब तक मुझे परवाह नहीं मिलती, मेरा कुछ नहीं होना, इसलिए केवल आप ही हो जो मुझे इस अपने स्त्रु काम से मुझे बचा सकते हो, मैं काम पीड़ित हूँ परवा को देखकर, और यदि एक बार भी मुझे परवा को गले लगाने का मौका मिले तो ये मेरे जन्मों की तपस्या में सफल समझूंगा। अब भगवान शिव सब जानते थे, उन्होंने कहा कि बोलो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब आखिरकार भगवान शिव दोस्त रह गए, अब दोस्त के लिए कुछ ना करें तो भी चक्कर पड़ता है, इसलिए भगवान शिव ने कहा कि तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बाहर जरूर निकालूंगा। अब सुंदर ने भी दोस्ती का पूरा पूरा फायदा उठाया भगवान शिव। अब सोचिए जिन शिव के लिए योगी हिमालय की गुफाओं में हजारों वर्ष तपस्या करते रहते हैं, कितने ही सिद्ध महात्मा हजारों वर्षों से कितने जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, वो शिव वो परमात्मा शिव एक भक्त के लिए दोस्त बन गए और उसकी हर परेशानी दूर करने के लिए उसके साथ खड़े हैं, ऐसा भाग्य किसका हो सकता है। तब सुंदर ने कहा कि प्रभु, सुंदर ने पूरा फायदा उठाया और शिव की दोस्ती का, उसने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए, आप बोलते हो मुझे कि मैं आपके लिए स्तुतियां करूं, मैं आपके लिए प्रार्थना गाऊं, मैं आपके लिए 1000 पद गाऊंगा यानी 1000 कविताएं गाऊंगा, मेरा एक काम कर दो। भगवान ने कहा कि बताओ क्या। सुंदर ने कहा कि आप मेरे दूत बन करके परवा मुझे मिल जाए, इसलिए आप मेरे दूत बन करके परवा के घर जाइए। अब ये कथा आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, मैं तो खुद शौक हूं इस चीज को कैसे, अगर सोचिए आप जो भी आप मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके दोस्त महादेव, देवों के देव महादेव हो जाए और बताएं कि बताओ मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए, आप क्या मांगोगे, कमेंट में जरूर मुझसे ये चीजें आप बताइए कि यदि आप महादेव आपके दोस्त बने तो आप भगवान शिव को क्या कहेंगे। इससे आगे हम जानेंगे क्या भगवान शिव सुंदर के दूत बनकर गए, वो परमात्मा शिव परम ईश्वर शिव सुंदर के लिए दूत बनकर गए, फिर आगे क्या होगा, क्या भगवान शिव सुंदर का विवाह करवाएंगे या कोई एक और परीक्षा की
प्रोसेस भगवान शिव यहाँ पर कर रहे हैं सुंदर को सोक्ड करने के लिए। बहुत दिव्य और रोचक कथा है, शिव चरणों में प्रेम बढ़ाने वाली ये दिव्य कथाएं हैं। ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों के साथ आप इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि शिव के ऐसे दिव्य दिव्य लीलाएं, दिव्य चरित्र दूसरे शिव भक्त भी जान सके, उनके मित्रवत व्यवहार, उनके उनकी दोस्ती की ये लीलाएं दूसरे शिव भक्त भी सुन सके। कमेंट में आज चाहे नमः शिवाय मत लिखना, लेकिन कमेंट में ये जरूर बताना कि शिव यदि आपके दोस्त हो तो आप क्या करोगे, आप उनसे क्या बात करोगे, वो आप उनसे क्या कार्य करवाओगे, दोस्ती में आप शिव से क्या करवाओगे। क्योंकि देखो परमात्मा वही है जिनके एक रोम में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हैं, वही परमात्मा आपके दोस्त भी बन सकते हैं, आपके आपके सखा बन सकते हैं, आपके दोस्त बन सकते हैं, आपके बेटे बन सकते हैं दोस्त, आपके पिता भी बन सकते हैं। आप जो चाहे उन परमात्मा शिव को अपने भाव के अधीन करके आप कुछ भी करवा सकते हैं। वही हमारा परम गंतव्य है, वही हमारी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन शिव है। उसी से हम उत्पन्न, उसी से हमारी उत्पत्ति होती है और उसी में हमको लीन होता है। लेकिन जो ये ड्यूरेशन रहता है, ये समय रहता है जो हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो हम जिंदगी जीते हैं, उसमें अगर उनका सानिध्य मिल जाए तो कहना ही क्या है, और दोस्त बन जाए तो सुंदर जैसा भाग्य शायद ही किसी को होगा। लेकिन यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आपका भक्तिभाव बहुत पावरफुल है, बहुत एक अलग लेवल का है, वो केवल आप शिव पे ही समर्पित रहते हैं, तो वो शिव आपके मित्र अवश्य बनेंगे, आपके दोस्त अवश्य बनेंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड अवश्य बनेंगे। ये केवल आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, आप उनके लिए कितना क्या करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप जाकर कहीं पर कुछ तपस्या कीजिए या फिर यज्ञ होम करो। एनी टाइम जब आप ऑफिस में काम करते हो, आप अपना कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, उस टाइम हर टाइम आप दूसरे से भले ही सामने बात करते रहिए, लेकिन मन में आपके शिव 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 कंटिन्यू भगवान का स्मरण होता रहना चाहिए। कोई भी आप बात करते हो, कोई प्रसंग आप देते हैं, तो शिव से संबंधित दीजिए, शिव की लीला याद करके आपके आंसू धारा ऐसे बैठे बैठे निकलते हैं, उनको याद करते आपके आंसू आ जाते हैं, उनके चरित्र आप याद करते करते खुश होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। केवल शिव से संबंधित आपको रहना है सांसारिक में, सांसारिक जीवन में आप निभाते रहिए। आपको हर सब कुछ निभाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, जो भी ग्रस्त जीवन के नियम है उनका पालन करना चाहिए, लेकिन शिव को एक क्षण भी ना भूले, ये आपका प्रयास रहना चाहिए। आप काम करिए, पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन शिव को बिल्कुल एक क्षण के लिए भी ना भुलाइए, क्योंकि आपका फाइनल डेस्टिनेशन वही है, ये सब यहीं पर रह जाएगा। लेकिन हमें गृह जीवन के रूल्स भी फॉलो करने, क्योंकि देखिए भगवान शिव स्वयं गृहस्थ है, उनके दो पुत्र हैं, पत्नी है, सब कुछ है, वो सब करते हैं। वो क्या दिखाते हैं, यही दिखाते हैं कि आप अपने जीवन को अच्छे से जिए, सबके प्रति जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन परमात्मा को कभी भी मत भूलिए, क्योंकि आपको आप वहीं से आए हैं और आपको वहीं पर जाना है। कमेंट में जरूर बताना, अगर यदि शिव आपके दोस्त हैं तो आप क्या उनसे क्या कहोगे और उनसे क्या कार्य करवाने के लिए आप उनसे निवेदन करोगे। अभी तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।